नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोरोना संक्रमण की बढ़ती खबरों को लेकर आज पीएम मोदी ने आम लोगों से अपील की कि अब कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखा जाए। पीएम मोदी ने हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं में कोरोना संक्रमण की खबरों के बाद लोगों से इस संकट काल में सहयोग की अपील की। पीएम मोदी की अपील के बाद महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद ने मीडिया के साथ बातचीत की। इस दौरान जूना अखाड़े के प्रमुख ने कहा कि कुंभ अभी समाप्त नहीं हुआ। स्वामी अवधेशानंद ने कहा कि बुजुर्ग और बच्चे शाही स्नान में न आए, संत समाज वैराग्यों के साथ है, उनके स्नान होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कुंभ समाप्त नहीं होगा, हम आग्रह करते हैं कि श्रद्धालु कम संख्या में आए। महामंडलेश्वर ने कहा है कि कुंभ को लेकर गृह मंत्री से दो बार बात हुई, आज सुबह प्रधानमंत्री का फोन भी आया, उन्होंने संतों का हाल जाना और पूजा पद्धति को लेकर बात की। कुंभ समाप्त करने की खबरों को लेकर उन्होंने कहा कि आस्था बड़ी चीज है, इसलिए कुंभ समाप्त नहीं कर रहे। कोरोना संक्रमण को लेकर स्वामी अवधेशानंद ने कहा कि वायरस के नए स्ट्रेन से न देश अछूता है और न ही प्रदेश, हमारे आश्रम से कोरोना नहीं फैला, लेकिन संक्रमण को देखते हुए अब आश्रम में आने वालों को नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। आपको बता दें कि हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले के दौरान देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। कोरोना काल में इस आयोजन के बीच हरिद्वार में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके मद्देनज़र ही आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कुंभ मेले में बड़ी संख्या में न आने की अपील की। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद ने सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट कर श्रद्धालुओं से अपील की कि बड़ी संख्या में कुंभ में आने से ज़्यादा ज़रूरी जीवन की रक्षा करना है, इसलिए सभी श्रद्धालु कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और बड़ी संख्या में कुंभ में आने से बचें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।